कल्पना कीजिए कि हमारा ब्रह्मांड एक सुपर हाईवे जैसा है। अरबों खरबों पार्टिकल बहुत लंबी लंबी यात्राएं तय करते हैं और स्पेस और टाइम में से आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक पार्टिकल सबसे दृढ़ निश्चय यात्री साबित होता है, ये है न्यूट्रिनो। इस पार्टिकल की कोई सीमा नहीं है, ये घने तारों के बीच से होकर आगे बढ़ता है। विशालकाय आकाशगंगाएं और इंटरस्टेलर बाधाएं भी इसका रास्ता रोक नहीं पाती। जरा सोचिए कि ये हमें कितनी दास्तानें बयां कर सकता है, बशर्ते हम इसे पकड़ पाएं। लेकिन भला किसी ऐसे पार्टिकल को कैसे रोका जाए जिसे रोक पाना मुमकिन ही ना हो। इस सब की शुरुआत मैथमेटिकल थ्योरी से हुई थी। साल था 1930 जब जाने माने भौतिक वैज्ञानिक वुल्फगैंग पाउली ने एक पहेली की एक डेस्परेट रेमेडी यानी बेताब समाधान सुझाया था। प्रयोगों से पता चला कि जब कोई अस्थिर एटॉमिक न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ता था तो नई ऊर्जा और गति उम्मीद के मुताबिक नहीं होती थी। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए और ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत को कायम रखने के लिए पॉली ने एक थियोरेटिकल पार्टिकल का सुझाव दिया। इस पार्टिकल में न तो नेगेटिव और न ही पॉजिटिव चार्ज था और 1933 में इसे जाने माने भौतिक वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने नाम दिया न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो के जरिए पाउली की दुविधा तो खत्म हो गई, पर ये उन्हें फिर भी परेशान करता ही रहा। उन्होंने ये बात मानी कि मैंने एक बहुत गलत काम कर दिया है, मैंने एक ऐसे पार्टिकल की मौजूदगी स्वीकार कर ली है जिसका पता ही नहीं लगाया जा सकता। लेकिन पाउली को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी। अभी कुछ दशक का समय बेशक लगने वाला था, लेकिन 1956 में फ्रेड राइनस और क्लाउड कावन आखिरकार न्यूट्रिनो के मिल जाने की घोषणा करने ही वाले थे। इसका पता लगाना मुश्किल था, इसीलिए इसे इतनी प्रसिद्धि भी मिली। न्यूट्रिनो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में सबसे मुश्किल से दिखने वाले पार्टिकल्स में से एक था। आधुनिक फिजिक्स में स्टैंडर्ड मॉडल इस सवाल का बेहद सरल जवाब देता है कि हर चीज किससे बनी होती है। पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले कुल 12 बुनियादी ब्लॉक हैं। ये ब्लॉक 4 फोर्सेस के जरिए आपस में अंतःक्रिया करके तमाम मैटर को बनाते हैं। आप कुछ ज्यादा मशहूर बुनियादी पार्टिकल्स को पहचान सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और फोटोन। लेकिन न्यूट्रिनो जैसे कम जाने पहचाने पार्टिकल्स भी उतने ही आकर्षक होते हैं। न्यूट्रिनो बुनियादी पार्टिकल्स में अलग ही नजर आता है। न्यूट्रिनो का एक अलग ही गुण होता है, ये आसानी से नजर नहीं आता। लेकिन आखिर किस कारण से न्यूट्रिनो इतनी मुश्किल से दिखता है? इसकी वजह है गुरुत्व और विद्युत चुंबकत्व, जो आपको और मुझे बड़ी गहराई से प्रभावित करते हैं। मगर बिना चार्ज वाले और लगभग द्रव्यमान विहीन न्यूट्रिनो पर कोई असर नहीं डालते। ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की तरह मैटर के एटम बनाने के लिए अंतःक्रिया करता है, और ना ही ये दूसरे भारी पिंडों की ओर आकर्षित होता है। न्यूट्रिनो की अंतःक्रियाएं बहुत ही कमजोर होती हैं, इतनी कमजोर कि उन्हें आसानी से ना तो रोका जा सकता है और ना ही पकड़ा जा सकता है। न्यूट्रिनोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अंतःक्रियाएं नहीं करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो साफ सुथरे होते हैं। उनका तमाम दूषितकरण साफ हो चुका होता है। आप दूसरी अंतःक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अंतःक्रियाओं से कमजोर होती हैं। इन कमजोर अंतःक्रियाओं की वजह से ही वैज्ञानिकों की जबरदस्त इच्छा इन न्यूट्रिनोज का अध्ययन करने की होती है। न्यूट्रिनोज के रास्ते में लगभग कोई बाधा नहीं होती है, इसीलिए वे हम तक पहुँचने के लिए आराम से स्पेस और टाइम में सफर कर पाते हैं। बिग बैंग के बाद जो बेहद शुरुआती न्यूट्रिनोज पैदा हुए थे, वो आज तक भी हमारे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। और सोलर कोर के परमाणु संलयन की वजह से जो न्यूट्रिनोज उत्पन्न हुए, वो पृथ्वी के ऊपर हम सब के ऊपर घूमते रहते हैं। आप अपना अंगूठा सीधा करिए और अब कल्पना कीजिए कि लगभग 65 अरब न्यूट्रिनोज हर सेकेंड इसमें दाखिल हो रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ न्यूट्रिनोज सूरज से आ रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ अन्य इतने पुराने हो कि वो ब्रह्मांड की शुरुआत से ही ताल्लुक रखते हों? अंतरिक्ष में घूमने वाले इन शानदार यात्रियों को हम बेहतर ढंग से कैसे समझ सकते हैं? पूरी दुनिया में बहुत से वैज्ञानिक पिछली सदी के दौरान मुश्किल से नजर आने वाले न्यूट्रिनो को खोजते रहे हैं। इस खोज में भारत का इतिहास भी बहुत खास रहा है, और ये खोज 1960 के दशक में कर्नाटक के
कोलार गोल्ड फील्ड्स की गुफाओं में हुई थी। भारतीय न्यूट्रिनो शोध के मामले में अग्रणी रहे हैं। कॉस्मिक रे से बनने वाले सबसे पहले न्यूट्रिनोस का पता 1965 में जमीन में 2.3 किलोमीटर की गहराई पर कोलार गोल्ड फील्ड्स में एक न्यूट्रिनो डिटेक्टर ने लगाया था और आज एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोस शोध का जबरदस्त क्षेत्र है। 1990 के दशक में कोलार गोल्ड फील्ड्स के बंद हो जाने से भारत के न्यूट्रिनो कार्यक्रम का रास्ता रुक गया। हमारे देश के न्यूट्रिनो कार्यक्रम के खत्म हो जाने के कारण अमरीका और जापान जैसे देश आगे बढ़ गए और उन्होंने कई नई और अनोखी खोजें की। ऐसा लग रहा था जैसे भारत की तरफ से न्यूट्रिनोस की खोज का सिलसिला खत्म हो गया है। बदकिस्मती से हमने काम करना बंद कर दिया। अगर हम काम जारी रखते तो आज इस क्षेत्र में दुनिया में चोटी पर होते। क्या हम फिर से इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं? हमें ऐसा करना चाहिए। हम कर सकते हैं और हम करेंगे। इस इंस्टीट्यूट में जनवरी 2000 में ऐसा हुआ था। IMS में हाई एनर्जी फिजिक्स में एक वर्कशॉप हुई थी और इस वर्कशॉप के दौरान बहुत से लोग आपस में मिले और उन्होंने कहा कि चलो मिलते हैं और ये लिखते हैं कि भारत में एक न्यूट्रिनो लैब बनाकर हम किस तरह की भौतिकी हासिल कर सकते हैं। हमने यही पहला डॉक्यूमेंट लिखा था। ये भारत की बेहद महत्वाकांक्षी मेगा साइंस परियोजनाओं में से एक वाली जगह है। ये है भारत के तमिलनाडु की बोधी हिल्स में स्थित न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी INO। न्यूट्रिनोस का पीछा करने के सिलसिले में कौन सी बात इस जगह को सबसे अच्छा बनाती है? आज ये जगह खाली है, लेकिन अगले 5 साल में यहाँ न्यूट्रिनो फिजिक्स के सिलसिले में नए नए और अनोखे प्रयोग हो रहे होंगे। INO भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े सहयोग को वजूद में लाया है। इस सहयोग में 26 जाने माने वैज्ञानिक संस्थान और 100 से ज्यादा वैज्ञानिक शामिल हैं, जो भारत के कुछ चोटी के उद्योगों के साथ जुड़े हुए हैं। इस सहयोग का नेतृत्व मुंबई स्थित टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान या TIFR कर रहा है। INO परियोजना के तहत 1300 मीटर ऊंचे चट्टानी पहाड़ों के ठीक नीचे 2 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई जाएगी, ताकि एक अनोखी भूमिगत प्रयोगशाला बनाई जा सके। हम INO की जमीन पर खड़े हैं। ये करीब 26.5 हेक्टेयर है। जहां हम खड़े हैं वहीं सरफेस फैसिलिटीज बनाई जाएंगी। इस सुरंग की शुरुआत वहां मौजूद सीमेंट के उस स्लैब से होगी। ये सुरंग की शुरुआत को दर्शाता है। ये सुरंग वहां से इस तरह आगे बढ़ेगी और आप इस सफेद निशान को देख सकते हैं। इस तरह इस सुरंग के मार्ग को दर्शाते मार्कर्स लगे हुए हैं। ये सुरंग इस पहाड़ के नीचे जाएगी और वहां उस चोटी के नीचे जाकर खत्म हो जाएगी। इस सुरंग की लंबाई करीब 2 किलोमीटर होगी। इस 2 किलोमीटर लंबी सुरंग के छोर पर चोटी के ठीक नीचे प्रयोगशालाएं होंगी। कॉस्मिक रेस क्योंकि चट्टान से होकर गुजरेंगी, इसीलिए ज्यादातर गैर जरूरी पार्टिकल छन जाएंगे। न्यूट्रिनोस बिना कोई खास कोशिश किए INO सुरंग में दाखिल हो जाएंगे। INO की 3 गुफाओं में से सबसे बड़ी इस सुरंग में दुनिया का सबसे विशाल न्यूट्रिनो डिटेक्टर होगा। इसका नाम है आयरन कैलोरीमीटर या ICAL। बनकर पूरा हो जाने पर ICAL मैग्नेटाइज्ड आयरन और डिटेक्टर प्लेट्स का एक विशाल सैंडविच जैसा होगा। इसकी कार्य प्रणाली कुछ यूं होगी। बिना चार्ज वाले न्यूट्रिनोस एक विशाल मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजरेंगे और चार्ज पार्टिकल्स में बदल जाएंगे, जिन्हें म्यूऑन्स कहा जाता है। म्यूऑन चार्ज के हिसाब से वो ताकतवर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर मुड़ जाएंगे। अब ये चार्ज म्यूऑन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के एक मुड़े हुए रास्ते को ढूंढेंगे। रेजिस्टिव प्लेट चेंबर्स या RPC कहलाने वाले बेहद संवेदनशील 30,000 डिटेक्टर सिग्नलों को पकड़ेंगे। इन RPC को 150 सतहों में लगाया जाएगा। 36 लाख इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल्स इन आंकड़ों को कंप्यूटर सिस्टमों तक पहुंचाएंगे। ये उस प्रयोग का मुख्य हिस्सा है जो न्यूट्रिनोस की प्रॉपर्टी का अध्ययन करेगा, और ये उस मुश्किल वैज्ञानिक खोज को जारी रखेगा जिसकी शुरुआत 1930 में वुल्फगैंग पाउली ने की थी। 1998 में एक खोज से ये पता चला था
कि न्यूट्रिनोस के बारे में कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। अपनी यात्रा के दौरान ये अपनी किस्म और अपने द्रव्यमान को बदलते जाते हैं। न्यू वन, न्यू टू और न्यू थ्री किस तरह मिक्स होते हैं, उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन म्यूऑन या टाउ न्यूट्रिनोस नजर आते हैं और इन सब के द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। लेकिन इस कमाल की नई जानकारी से कुछ नए सवाल भी पैदा हुए। ये तीन द्रव्यमान आखिर क्या हैं? इनमें से कौन ज्यादा भारी है, कौन ज्यादा हल्का? और अगर न्यूट्रिनो को बिना द्रव्यमान वाला नहीं समझा जाता तो फिर स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में ये कैसे फिट होता है? आपको अब एक नया मॉडल ढूंढना होगा जिसमें न्यूट्रिनोस के ये तमाम लक्षण या गुण शामिल होंगे। अंदाजे से मदद नहीं मिलने वाली, क्योंकि किसी नई चीज के बारे में अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। यही भूमिका शुरू होती है INO के iCal डिटेक्टर की। आयरन कैलोरी मीटर या iCal एक बिल्कुल अनोखा डिटेक्टर है। पूरा होने पर ये मैग्नेटाइज्ड आयरन का एक ऐसा स्टैक होगा जिसकी लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर होगी। ये जमीन के नीचे किसी 5 मंजिली इमारत जितना ऊंचा होगा। ये न्यूट्रिनो डिटेक्टर सिर्फ भारत के लिए ही ऐसा पहला डिटेक्टर नहीं है, इसमें तो दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नेट भी होगा जो 50 किलो टन और 1.3 टेस्ला का होगा। कोलकाता के वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर या VECC में हम भविष्य पर नजर डाल सकते हैं। ये थेनी में बनने वाला आयरन कैलोरीमीटर का पहला प्रोटोटाइप है। हम मुख्य डिटेक्टर की तरह इसमें ये टेस्ट करना चाहेंगे कि जब कॉस्मिक म्यूऑन्स आते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेंगे जिन्हें आपने बीच वाले हिस्से में बनाया है। फिर वो डिटेक्टर से होकर गुजरेंगे, वही डिटेक्टर जिन्हें ICL में लगाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम मुख्य डिटेक्टर और मैग्नेट का एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाना चाहते हैं ताकि हम जान सके कि मैग्नेट को कैसे नियंत्रित किया जाए, मैग्नेटिक फील्ड दिखने में कैसा लगेगा, इस स्थिति में डिटेक्टर कई कई दिन तक कैसे काम करेंगे। इसमें करीब 143 सतहें होंगी तो कुल मिलाकर इसका वजन यानी मैग्नेट का वजन 51 किलो टन होगा और ये मुख्य रूप से लोहे से बना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 51 किलो टन लोहे को पूरी तरह मैग्नेटाइज किया जाएगा। पूरी दुनिया में अन्य न्यूट्रिनो डिटेक्टर्स डिटेक्शन के लिए वाटर या हैवी वाटर जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो भला iCal को इतनी ज्यादा लोहे की जरूरत क्यों है? लोहा दरअसल पानी से 8 गुना ज्यादा ठोस होता है। इसका मतलब ये है कि ये कमजोर ढंग से प्रतिक्रिया करने वाले न्यूट्रिनोस के रास्ते में बाधा के तौर पर ज्यादा पार्टिकल मुहैया कराता है। न्यूट्रिनो डिटेक्टर के लिए आपको बहुत बड़े द्रव्यमान की जरूरत होती है, 50 किलोटन, 100 किलोटन। अगर आप न्यूट्रिनोस को इनके बीच से गुजारेंगे तो उनमें से कुछ अंतःक्रिया कर सकते हैं, इसलिए न्यूट्रिनो डिटेक्टर्स हमेशा ही बहुत बड़े होते हैं। हम भला इतना विशाल डिटेक्टर क्यों बना रहे हैं? इसलिए क्योंकि जब तक आप इसके रास्ते में कोई बहुत बड़ा डिटेक्टर नहीं रखेंगे, ये अंतःक्रिया नहीं करेगा। ऐसा करने पर ही ये कुछ बार तो अंतःक्रिया करेगा ही। इस विशाल डिटेक्टर के जरिए रोजाना हम कम से कम 3 न्यूट्रिनो इवेंट्स को देखने की उम्मीद करते हैं। अब तक ये स्पष्ट हो चुका है ये कण ये RPC बना रहे हैं। हम इन्हें एकदम शुरू से बना रहे हैं। हम इनके परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं और डिजाइन को बेहतरीन बनाने की भी, ताकि कोई भी चीज जवाब न दे जाए। नाकाम न होने वाले इन RPCs का निर्माण शीशे की 2 प्लेटों को एक दूसरे के समानांतर रख कर किया जाता है। इनके बीच में मौजूद गैस इन दोनों को अलग करती है। शीशे की प्लेट्स की बाहरी सतहों को एक कंडक्टिव कोटिंग से कोट किया जाता है और इलेक्ट्रोड्स पर एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। जब किसी म्यूऑन जैसा कोई चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर गुजरता है
तो ये गैस में और ज्यादा चार्ज्ड पार्टिकल्स पैदा करता है। इससे एक तरह का इलेक्ट्रॉन एवलांच पैदा हो जाता है। दूसरे शब्दों में, मामूली से इलेक्ट्रिक सिग्नल को इतना बढ़ा दिया जाता है कि उसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के जरिए पढ़ा जा सके। लेकिन आरपीसी को छोटे छोटे चार्ज्ड पार्टिकल्स के प्रति संवेदनशीलता के लिए ही डिजाइन नहीं किया जाता, उन्हें लंबी उम्र के लिए भी डिजाइन किया जाता है। आईकेएल प्रयोग के 15 से 20 साल चलने की उम्मीद की जाती है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम न केवल इन आरपीसी को कामयाब बनाना चाहते हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आईकेएल प्रयोगों के लिए जरूरी शर्तों को पूरी करे, बल्कि हम ये भी तय करना चाहते हैं कि ये तब तक काम करते रहें जब तक आईकेएल प्रयोग को जारी रखने के बारे में सोचा जाए। आईकेएल के लिए 30,000 ग्लास रेजिस्टिव प्लेट चैम्बर्स की जरूरत होती है, जिन्हें उसमें एक्टिव डिटेक्टर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फिलहाल दुनिया में कहीं भी इतने बड़े स्तर पर ग्लास रेजिस्टिव प्लेट चैम्बर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आपको लगता है कि आरपीसी का रहस्य सुलझा लेने के बाद आईएनओ की टीम आराम कर सकती है, तो ऐसा नहीं है। आईएनओ को डिटेक्टर के आंकड़ों को समझने के लिए बेहद उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स के एक ताकतवर नेटवर्क की जरूरत होती है। देश में विकसित की गई इलेक्ट्रॉनिक्स के हर छोटे से छोटे हिस्से का मतलब भारतीय इंजीनियरिंग की एक लंबी छलांग है। हम ये कह सकते हैं कि अब हम एक नई किस्म की हाई एनर्जी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी तुलना दुनिया के किसी भी देश से की जा सकती है। 2013 में आईएनओ के डिटेक्टर, मैग्नेट और इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत से हिस्से पुर्जे एक सघन टेस्टिंग वाले चरण में दाखिल हो चुके हैं। आईएनओ के आईकेएल प्रयोग के साथ भौतिकी से जुड़े लक्ष्य क्या हैं? ये हैं इनके द्रव्यमान के बारे में और जानने के लिए न्यूट्रिनो फ्लेवर्स और उनके ऑसिलेशंस की जांच पड़ताल करना। इसका महत्व मशहूर गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसोन का हाल ही में पता लगाने के बाद और बढ़ गया है। अभी तक हिग्स बोसोन पार्टिकल फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल में एक महत्वपूर्ण जगह रखता है, जो अन्य सभी बुनियादी पार्टिकल्स को उनका द्रव्यमान देता है। इन पार्टिकल्स में सिर्फ न्यूट्रिनो ही शामिल नहीं है। हिग्स न्यूट्रिनोस को द्रव्यमान नहीं दे सकता, तो अब एक्सपेरिमेंटलिस्ट ने ये खोजा कि न्यूट्रिनोस का द्रव्यमान होता है। तो अब हम बुनियादी फिजिक्स को हिग्स बोसोन से भी काफी आगे ले जा सकते हैं। ये हमें बताएगा कि हिग्स बोसोन से आगे आखिर क्या है। न्यूट्रिनो का द्रव्यमान एक अलग तरह की खिड़की भी खोल सकता है, ऐसी खिड़की जो हमें हमारे ब्रह्मांड का भविष्य दिखाएगी। ये ब्रह्मांड के द्रव्यमान संतुलन और ब्रह्मांड की घनिष्ठता को बदल देते हैं, यानी ये ब्रह्मांड की विकास प्रक्रिया को भी बदल देते हैं। हम जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की गति बढ़ रही है। हमारा ब्रह्मांड क्या हमेशा के लिए कोल्ड डेथ की ओर फैलता जाएगा, या इसके दोबारा सिकुड़ने से दूसरा बिग बैंग होगा? ये बात मौजूदा डेंसिटी पर निर्भर करेगी। भला क्रिटिकल डेंसिटी क्या है? क्या ये बाहर की तरफ फैलती रहेगी या ये खुद पर ही अपने दरवाजे बंद कर लेगी? विशालकाय न्यूट्रिनोस को इसमें शामिल करके आप पूरी स्थितियों को ही बदल रहे हैं, और साथ ही समझ को भी कि भविष्य में हमारा ब्रह्मांड किस तरह विकसित होगा। आईएनओ के जरिए भारत अंतर्राष्ट्रीय हाई एनर्जी फिजिक्स के क्षेत्र में चुनिंदा देशों में शामिल हो सकता है, और ऐसा केवल वैज्ञानिक नजरिए से ही नहीं होगा। आईएनओ के दो प्रोजेक्ट हैं, उसके दो लक्ष्य हैं। वो न सिर्फ न्यूट्रिनोस के बारे में और चीजों को जानना चाहता है, बल्कि वो विद्यार्थियों को भी प्रेरित करना चाहता है, ताकि हम ऐसे बहुत से युवा वैज्ञानिक पैदा कर सकें जो बेहद उन्नत बुनियादी शोध करने के लिए प्रशिक्षित हों। ऐसा लग रहा है कि सहयोग पहले ही भारतीय वैज्ञानिक समुदाय में एक नया जोश पैदा करने लगा है। थेनी में आईएनओ वाली जगह के आसपास मौजूद स्थानीय निवासियों को तमाम जानकारियां दी जाती हैं, ताकि बेवजह की आशंकाओं और गलतफहमियों को दूर किया जा सके। आम लोगों और पर्यावरण की चिंता करने वाले एक्टिविस्ट के साथ बातचीत की जाती है। हम गांव वालों से बात करते हैं और उन्हें इस परियोजना के प्रभाव के बारे में बताते हैं। हम उन्हें विज्ञान के बारे में भी बताते हैं। हम हमेशा इस बात पर भी आश्वस्त हैं कि आईएनओ के यहाँ बनने से उनके नजदीक एक शिक्षा संस्थान भी बन जाएगा, जो उनके लिए एक बड़ा फायदा होगा। पूरा बन जाने पर आईएनओ न्यूट्रिनो के रहस्यों के प्रति दिलचस्पी रखने वाले दुनिया भर के पार्टिकल फिजिसिस्ट के लिए एक खास जगह बन जाएगी। ये हमारे लिए कौन सी दास्तानें बयां करेगा? ये हमारे ब्रह्मांड के प्रति हमारे नजरिए को कैसे बदलेगा?
ये हमारे अतीत और भविष्य के बारे में हमें क्या बताएगा? आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम देखते रहिए।